हेलो फ्रेंड्स, सेंटर स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं केदार केसकर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक हिस्ट्री स्पेशल वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं और हिंदी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। रीजन एक ही है कि हमारे जो नॉन मराठी और नॉन महाराष्ट्रियन व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक ये वीडियो और ये कंटेंट पहुंचाना है। सब्जेक्ट आज का जो है वो एक मराठा या महाराष्ट्र एंड इंडिया के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर फोकस कर रहे हैं। ये हिस्ट्री स्पेसिफिक है, लेकिन हमारे जो ऐसे दर्शक जो हैं, जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उनको भी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। मुझे बहुत यकीन है आप पर। और सारे मराठी और नॉन मराठी दर्शकों को समझने में आसानी होने के लिए ये वीडियो मैं ला रहा हूं हिंदी में। और ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। प्रणाम। कैसी थी पेशवाई? कैसा था हिंदवी स्वराज्य और साम्राज्य? दोस्तों, आज महाराष्ट्र के बाहर मराठा इतिहास के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। बॉलीवुड की फिल्म बाजीराव मस्तानी भले ही कितनी ही घटिया क्यों न हो, लेकिन उस फिल्म की वजह से महाराष्ट्र के बाहर बहुत से लोगों को पता तो चला कि इतिहास में बाजीराव पेशवा नाम का एक शासक इस धरती पर पैदा हुआ था। नई जनरेशन की पेशवाई के बारे में आस्था है, रुचि है, उनके मन में कई सारे सवाल है कि आखिर ये पेशवाई क्या थी, कब बनी, कहां बनी, पेशवाई की उपलब्धि क्या थी। पेशवाई को संक्षेप में और बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। उनके बाद स्वराज्य के सिंहासन पर छत्रपति संभाजी महाराज विराजमान हुए। अपना बगावत खोर बेटा शहजादा अकबर, जो दक्खन में मराठों की शरण में आया था, उसे पकड़ने और छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत का फायदा उठाकर हिंदवी स्वराज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए बादशाह औरंगजेब दक्खन में यानी नर्मदा नदी लांघ कर महाराष्ट्र में आ पहुंचा। वो समय था 1681 का। अगले 7-8 साल औरंगजेब की मुगलिया फौज और मराठों की हिंदवी सेना में घनघोर लड़ाइयां होती रही। किसी का निर्णायक विजय हो नहीं रहा था। लेकिन 1689 में अचानक से गद्दारों के षड्यंत्र की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के हाथ लग गए। इतना ही नहीं, औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके हैवानियत से भरे हुए हुक्म की वजह से संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा गया। लेकिन इतिहास साक्षी है कि छत्रपति संभाजी महाराज का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जिस प्रकार की यातना संभाजी महाराज को दी गई और उनकी रानी और राजपुत्र को बंदी बनाया गया, वो कहानियां सुनकर लोग भड़क उठे। इसी ज्वाला में आगे चलकर मुगली सल्तनत का सारा तामझाम भस्म होने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत से हिंदवी स्वराज्य को बड़ा झटका लगा, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई छत्रपति राजाराम और उनके पश्चात महाराज राजाराम की पत्नी महारानी ताराबाई ने हिंदवी स्वराज्य की कमान संभाल ली और मुगलों से संघर्ष करते रहे। ऐसा कुछ होगा यह औरंगजेब ने सोचा नहीं था। हिंदवी स्वराज्य को उखाड़े बिना दिल्ली और आगरा को ना जाने का फैसला उसने लिया था। इसलिए मुगल और मराठों के बीच कई वर्ष तक लड़ाइयां चलती रही। किसी एक का निर्णायक विजय नहीं हुआ। यह संघर्ष केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि नर्मदा नदी के नीचे करीब करीब पूरे दक्षिण भारत में हुआ। आखिरकार 27 साल दक्षिण में रहकर और इतना लंबा समय मराठों से संघर्ष करने के बाद भी औरंगजेब को जीत के आसार नजर नहीं आ रहे थे। और तभी 1707 में औरंगजेब की दक्षिण में ही मृत्यु हुई। इससे न सिर्फ 27 साल का यह भयानक संघर्ष कुछ समय के लिए रुका, बल्कि मुगलों की फौज दक्षिण से और खासकर महाराष्ट्र से बाहर उत्तर भारत में चली गई।
मराठों के ऊपर का सारा स्ट्रैटेजिक प्रेशर एक झटके में निकल गया। अब उनके बढ़ते सैलाब को रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र से बाहर जाते वक्त मुगलों ने एक चालाकी कर दी। औरंगजेब के एक शहजादे ने छत्रपति संभाजी महाराज का बेटा, जिसका नाम शाहू था, उसे रिहा कर दिया। मकसद यह था कि शाहू की चाची महारानी ताराबाई और शाहू, इन दो खेमों में हिंदवी स्वराज्य बट जाए, स्वराज्य में सिंहासन का झगड़ा चलता रहे, जिससे मराठों की ताकत हद से ज्यादा ना बढ़े। देखा जाए तो मुगलों का मकसद कामयाब हुआ। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। छत्रपति शाहू महाराज और उनकी चाची महारानी ताराबाई में कई साल तक संघर्ष होता रहा। लेकिन धीरे धीरे शाहू महाराज का खेमा ताकतवर होता गया और देखते ही देखते महारानी ताराबाई की सत्ता कमजोर होती गई। चाची और भतीजे के इस संघर्ष में छत्रपति शाहू महाराज को जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा लाभ हुआ, वह थे कोंकण से आए हुए बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ की योग्यता, धैर्य, कुशलता और संकट की घड़ी में विचलित ना होकर ठंडे दिमाग से काम करने की खूबी की वजह से शाहू महाराज प्रभावित हुए। प्रशासन में एक 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 पद ऊपर चढ़ते गए। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। हम आज जिसे पेशवाई कहते हैं, उस पेशवाई व्यवस्था के पहले भी पेशवा यानी यही बालाजी विश्वनाथ थे। इस पेशवाई की शुरुआत 1713 में हुई ऐसा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ हिंदवी स्वराज्य के पहले पेशवा नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भी पेशवा थे, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ के घराने में पेशवाई फिक्स कर दी, यह पहले से अलग बात थी। और छत्रपति शाहू महाराज को और उनके बाद के छत्रपति नॉमिनल हेड बन गए और पेशवा रियल हेड बन गए, यह भी एक अलग बात थी। ब्रिटेन या जापान में आज भी यही व्यवस्था है, राजघराना नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उनका बेटा पेशवा बाजीराव प्रथम, उनका बेटा पेशवा नाना साहेब और उनका बेटा पेशवा माधवराव, इन पेशवाओं ने न सिर्फ महाराष्ट्र का किंतु सारे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। वैसे तो पेशवाई 1713 से 1818 तक चली, लेकिन 1720 से 1761 यानी पानीपत की लड़ाई तक इन 40 वर्षों को पेशवाई का स्वर्ण काल माना जाता है। नाना साहेब पेशवा के कार्यकाल में आज के भारत की 70% जमीन हिंदवी स्वराज्य में शामिल हुई थी। अब तो यह हिंदवी स्वराज्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक सीमित नहीं रहने वाला राज्य, बल्कि उस दौर के भारत का बहुत बड़ा अति विशाल सा साम्राज्य बन चुका था। तब तो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, फिर भी आज जो लाहौर और अटक पाकिस्तान में है, वहां से लेकर नीचे कटक तक यानी अटक से कटक तक इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर पेशवाओं की हुकूमत चलती थी। और यहां एक विशेष बात यह भी है कि पेशवाओं ने कभी भी खुद को राजा घोषित नहीं किया, वे अपनी मर्यादा भलीभांति जानते थे। वे छत्रपति के निस्सिम सेवक थे, वे भगवा जरीपट का ध्वज के रक्षक थे, और इसीलिए अटक से कटक तक पेशवा की हुकूमत चलती थी, ऐसा हम भले ही कह रहे हों, लेकिन पेशवाओं की भावना ऐसी कभी भी नहीं थी। उस दौर के हिंदवी स्वराज्य के अन्य महत्वपूर्ण सरदारों से विचार विमर्श और आपसी सहमति से ही पेशवाई का शासन चलता था। एक ना एक दिन पूरा भारतवर्ष हमें विदेशी जंजीरों से बंधमुक्त करना है और हिंदुओं के सारे तीर्थ स्थल भी बंधमुक्त करने हैं, यही संकल्प और सपना देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव डाली थी। उसी दिशा में हिंदवी स्वराज्य के शासक प्रयास करते रहे। पेशवाई के काल में वह सपना साकार होते दिखने लगा। चौथाई और सरदेशमुखी के अधिकार यानी टैक्स कलेक्शन के अधिकार मुगलों से मराठों ने हासिल किए, और देखते ही देखते मराठों ने सारी मुगल सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। मुगल शासक बेबस होकर हिंदवी स्वराज्य के हाथ की बस कठपुतली बन गए। उस दौर में मुगल तो बस नाम के बादशाह थे, उस दौर में दिल्ली तो बस नाम की राजधानी थी। स्वराज्य का यानी पूरे देश का नियंत्रण और संचालन पुणे और सातारा से होने लगा। पेशवा के पुणे स्थित शनिवारवाड़ा में देश का मानो रिमोट कंट्रोल आ गया। पूरे देश में पेशवा और छत्रपति का दबदबा बन गया। इसी पेशवाई यानी हिंदवी साम्राज्य के कालखंड के बारे में हम अधिक जान लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक हमारे अन्य सारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और सेंटर स्पॉट को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए
नमस्कार।